हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस के बारे में बता दूं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब इक्वेशन में इज इक्वल अनदर साइड पे जो है वो कोई फंक्शन ना हो वहाँ पर, ठीक है, कोई भी फंक्शन ना हो, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करते हैं। लेकिन यदि अदर साइड में कोई फंक्शन रहा, मतलब कोई फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ एन से, ठीक, यदि कोई फंक्शन रहा तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो फाइंड करना ही है, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए भी मैंने आपको कंडीशंस बताया था वर्किंग रूल में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के कंडीशंस जैसे थे, तीन कंडीशंस आपने देखे कि फ्रूट्स आर इमेजिनरी, इफ फ्रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इफ फ्रूट्स आर इक्वल। ये तीन कंडीशंस थे। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस अलग अलग डिसाइड होते हैं यदि ये तीनों केसेस में, तीनों ही केसेस में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल भी किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ एन पे डिपेंड करता है। जो अदर साइड पे जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए हमने उस ये केसेस भी देख चुके हैं हम कि फंक्शन ऑफ एन जो है वो किस तरीके से लेना है हमको, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एन के लिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़े थे। हमने कंडीशंस पढ़े थे फंक्शन ऑफ एन के लिए, यदि एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो ए टू दी पावर एन हो। सेकेंड था फंक्शन ऑफ एन की वैल्यू यदि क्या है, कॉस ए एन या साइन ए एन है, ठीक। थर्ड था फंक्शन ऑफ एन क्या है, एन टू दी पावर पी है। फोर्थ क्या है, फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू है आपका ए टू दी पावर एन इंटू बी। ये बी क्या है, बी इज एनी फंक्शन ऑफ एन, ठीक, एनी फंक्शन ऑफ एन। तो और कोई फंक्शन नहीं है, ये तीन फंक्शन के अलावा आपको इस क्वेश्चन में और कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक। ये तीन ही फंक्शन मिलेंगे आपको, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। और ये जो चौथा केस है वो क्या है, ए टू द पावर एन इंटू बी। इसमें भी आपको देख लो, ए टू द पावर एन तो फर्स्ट फंक्शन में से है और ये बी जो होगा इन्हीं तीनों में से एक होगा, ठीक, वो कोई भी हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको केस समझाया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये भी समझाया था मैंने आपको, लेकिन क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन से क्या है, आपको और क्लियर हो जाएगा, एक एक जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सेकंड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कब किस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है किस क्वेश्चन को, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन है सॉल्व वाई एन प्लस वन प्लस फोर वाई एन, ये एन प्लस टू होना चाहिए एक्चुअल में, ये n प्लस टू है और ये n प्लस वन है। फिर है आपका प्लस थ्री बाय एन इज इक्वल टू फाइव टू दी पावर एन, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको इसमें पहचानना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 टू द पावर n किसके जैसा दिख रहा है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये इन दोनों जैसा दिख रहा है, ठीक। इन दोनों में अंतर क्या है, आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है। यहाँ n कहाँ है, किसी कॉन्स्टेंट वेरिएबल की पावर में है n, ठीक, और यहाँ n कहाँ है, बेस में है, और कॉन्स्टेंट वेरिएबल कहाँ है, उसके पावर में है। तो इन दोनों में चेंजेस है, तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, ए टू द पावर एन को सेटिस्फाई करता है, ठीक। अब ए टू द पावर एन को सेटिस्फाई करता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एन दिया हुआ है तो हमको तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है, तो हम वही करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे,
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या है इसका, ई स्क्वायर माइनस फोर ई प्लस थ्री बाई एन इज इक्वल टू फाइव टू द पावर एन, ये हुआ इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम क्या लिखना है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो हम फंक्शन को नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस ये थ्री है तो हम इसको करेंगे थ्री प्लस वन में, फैक्टराइज किया हमने, प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो किया। उसके बाद में एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। इसके बाद में यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों में m कॉमन है, तो m कॉमन निकालने के बाद में यहाँ बच गया m माइनस थ्री माइनस वन एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, m माइनस थ्री कॉमन है ऑब्वियसली, फिर क्या बचेगा, m माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू आ रही है हमारी थ्री एंड वन, ठीक। और ये कैसी वैल्यूज है, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ठीक। इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रही है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, उससे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन, लैम्डा वन की वैल्यू है वन तो वन टू दी पावर एन प्लस सी टू थ्री टू दी पावर एन, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं इसको अलग से लिख दे रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया है, तो यहाँ लिख देती हूँ सी एफ आया है हमारा सी वन वन टू दी पावर एन प्लस सी टू थ्री टू दी पावर एन, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई है तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ये वैल्यूज मिल गई। तो अब आएंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में, और पर्टिकुलर इंटीग्रल का फर्स्ट इक्वेशन है जब बिकॉज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फाइव टू द पावर एन है, ठीक। देन टी आई इज इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन ये होता है फाई ऑफ ई इंटू ए टू द पावर एन का केस है यहाँ पर, ठीक। तो phi of e क्या है, फंक्शन ऑफ e, ठीक है, फंक्शन ऑफ e ये है, फंक्शन ऑफ e हमारा क्या है ये, ठीक। तो फंक्शन ऑफ e की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वन अपॉन e स्क्वायर माइनस फोर ई प्लस थ्री इंटू ए टू द पावर n की जगह पे क्या है हमारे पास में है फाइव टू द पावर n है, ठीक। ये दोनों चीजें मिल गई है हमको। अब वो केस याद रखना है हमको कि जब ए टू दी पावर एन हो तो क्या करते हैं हम लोग, फाइव ऑफ ई में फाइव ई की जगह पे ए की वैल्यू रखते हैं, ये कब, जब फाइव ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। मतलब ए की जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ए रखने पे जीरो तो नहीं हो रहा है, e स्क्वायर माइनस फोर ई प्लस थ्री में हमने a रखा, ठीक, a रखा, a की वैल्यू क्या थी फाइव, फाइव रखेंगे तो ये हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इंटू फाइव कितना होगा ट्वेंटी प्लस थ्री, ठीक, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी किया और फाइव बचा प्लस थ्री किया एट हो गया, ठीक। तो ये जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं हो रहा है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये आ रहा है 1 अपॉन 8 पाई टू दी पावर n, ये हो गया हमारा पीरियड, ठीक। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकल गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकल गया, अब तो कुछ काम नहीं बचा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, हमको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लिखना है, और वो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारा, c1 1 टू द पावर n प्लस c2 3 टू द पावर n। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया हमारा 1 अपॉन 8 5 टू द पावर, ठीक, क्लियर है। ये रहा फर्स्ट कंडीशन के लिए,
फर्स्ट कंडीशन में आपको चेक करना है, और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया है उसमें एग्जांपल, यदि यहाँ पर पाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तब ये केस अप्लाई होगा, इज इक्वल टू जीरो है तो हम क्या करेंगे, ये भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जब ए रखने पे जीरो हो जाएगी वैल्यू तो हमको क्या करना है, या प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका सॉल्व 5n प्लस 2 माइनस 2 cos अल्फा y n प्लस 1 प्लस y n इज इक्वल टू cos अल्फा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा केस आ रहा है, सेकेंड केस आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से केस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड केस को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों के लिए एक ही प्रोसेस होता है, चाहे वहां कॉस का फॉर्म हो चाहे वहां साइन का फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फा ई प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा एन, ठीक। अब सिंबॉलिक फॉर्म एम स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2 एम कॉस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ अल्फा का यूज हुआ है, कॉस अल्फा का यूज हुआ है, तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला मेथड से एम इज इक्वल टू माइनस 2 एम लिखा है, 2 कॉस अल्फा है यहाँ कोफिशियंट, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 2 कॉस अल्फा है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर फिर से माइनस 2 कॉस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है ए 1 और सी की भी वैल्यू है 1 अपॉन आ गया 2 इंटू 1, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा हो गया प्लस माइनस ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अपॉन 2। अब 2 cos अल्फा यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए, कैंसिल होने पे क्या बचेगा cos अल्फा प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 होता है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक। यदि यहाँ मैं cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालू, ठीक, तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहाँ रख दू उस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मैं रख देती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बाहर आने पर वो क्या हो जाएगा साइन अल्फा अंडर रूट माइनस 1। अब इस अंडर रूट माइनस 1 को भी जानते हैं हम लोग किसकी वैल्यू है, ये i की वैल्यू है, आईटा है, तो वो वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं। अब cos अल्फा प्लस माइनस i sin अल्फा अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया था, ठीक। अब ये आ रहा है अल्फा प्लस i बीटा के फॉर्म में आ रहा है, और अल्फा प्लस i बीटा के फॉर्म में जब आता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लेते हैं, सेकेंड कंडीशन सॉरी थर्ड कंडीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हमारा, पहले तो अल्फा इज इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ पर है कॉस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ पर क्या है साइन अल्फा। तो आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, आर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अंडर रूट में, यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा रखेंगे तो फॉर्मूले से फिर से वो 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अब थीटा देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा होता है, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये दोनों मिलके क्या हो गए टेन इनवर्स टेन अल्फा हो गए, टेन अल्फा टेन
टेन टेन कैंसिल हो गया, बचा कितना थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मतलब अल्फा है, ठीक। तो आर इज इक्वल टू वन हो गया और थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। इसका मतलब आपका सी एफ क्या आ जाएगा, अब वो होता है आर टू द पावर एन सी वन कॉस अल्फा एन प्लस सी टू कॉस अल्फा थीटा प्लस होता है सी टू साइन अल्फा थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका वन टू दी पावर एन और ये हो जाएगा सी वन कॉस, ये कितना है आपका थीटा, अल्फा है रहने के लिए। तो लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा एन होगा, सॉरी अल्फा एन और कॉस एन थीटा और ये होता है साइन एन थीटा, ठीक है। साइन एन थीटा होता है तो ये हो गया कॉस अल्फा एन प्लस सी टू साइन अल्फा एन, ठीक। ये वन को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है, तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं हम। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव ई इंटू कॉस अल्फा एन, ठीक। कॉस अल्फा एन का फॉर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वन अपॉन फाइव ई क्या था, e स्क्वायर माइनस टू ई कॉस अल्फा प्लस वन इंटू कॉस अल्फा एन। अब कॉस अल्फा एन की जगह हमको क्या रिप्लेस करना था, हमको रिप्लेस करना था कॉस अल्फा एन इज इक्वल टू होगा e टू द पावर आई अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस आई अल्फा अपॉन टू, यही होगा। सॉरी अल्फा एन होगा, ठीक, एन भी है तो एन होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा एन हो गया, इसके बाद में हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। चलो पुट करते हैं वन अपॉन e स्क्वायर माइनस टू ई, अब यहाँ भी कॉस अल्फा था तो वहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हो जाएगा e टू द पावर आई अल्फा प्लस e टू द पावर माइनस आई अल्फा अपॉन टू प्लस वन, ये टू कैंसिल हो जा रहे, देख लो यहीं से इनटू यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर आई अल्फा एन प्लस e टू द पावर माइनस आई अल्फा एन अपॉन टू हो गया, ठीक। अब देखो वन अपॉन टू क्या है, कॉमन है तो मैं कॉमन ले ली हूँ पहले से ही वन अपॉन टू, यहाँ क्या बच रहा है वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस ई, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ई टू द पावर आई अल्फा माइनस फिर से जाएगा अंदर तो ई टू द पावर माइनस आई अल्फा प्लस वन, ये हो गया इंटू ये हो जाएगा ई टू द पावर आई अल्फा एन प्लस e टू द पावर माइनस आई अल्फा एन माइनस आई अल्फा एन, ठीक। तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अब इसमें आ जाते हैं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, e कॉमन है तो e कॉमन हो गया तो बचा क्या अंदर e माइनस e टू द पावर आई अल्फा माइनस, यहाँ माइनस वन कॉमन है बचा क्या e टू द पावर माइनस आई अल्फा आ जाता है ना, तो हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं कॉमन e टू द पावर माइनस आई अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा e माइनस वन अपॉन e टू द पावर माइनस आई अल्फा होगा और इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो प्लस में चेंज हो जाएगा तो ये बन गया e टू द पावर आई अल्फा बन गया, ठीक। इसके बाद में ये तो एज इट इज रहेगा तो मैं लिख नहीं रही हूँ इसको, अब और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो पी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन टू वन अपॉन ई माइनस
ई टू द पावर आई अल्फा दोनों में कॉमन है, बचा क्या ई माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा, और यहाँ क्या है ई टू द पावर आई अल्फा एन प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एन। ठीक, आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे और सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या हो रहा है 1/2, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ दोनों के साथ में, मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1/e - e^i-α और e माइनस ई टू दावर माइनस आई अल्फा इन टू हो गया e टू दावर आई अल्फा n प्लस 1/2 e to the power e minus e to the power I alpha और ये होगा e minus e to the power I alpha n, यहाँ multiply के बाद में आएगा minus I alpha n। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये कौन से फॉर्म में आ गया, a to the power n के फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, तो a to the power n के फॉर्म में आ गया है तो वही अप्लाई होगा। इसका मतलब है e की जगह पे क्या अप्लाई होगा, a to the power n। ठीक, यहाँ a की जगह में क्या है, n को बस हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ a की जगह पे देखेंगे, तो यहाँ पे दिख रहा है e to the power i होगा। ठीक, मतलब जब a पुट करेंगे तो अपने क्वेश्चन में क्या पुट होगा, e की जगह पे i अल्फा पुट होगा। तो कब, जब फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो तभी पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर यदि e टू द पावर i अल्फा पुट करते हैं तो वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ चेक करिए, अब यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करने पे क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो हम फिर अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। तो a के लिए अप्लाई करते हैं हम दोनों ही केस में, यहाँ पर भी a टू द पावर n फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी a टू द पावर n फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर कौन सा जीरो हो रहा है, यहाँ रखने पे जीरो हो जाएगा, माइनस आई अल्फा है ना, तो यहाँ पर जीरो होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे आई अल्फा। चलो एक को बाद में करेंगे, एक को पहले, तो पहले तो ये जीरो हो जा रहा है इसमें, इसलिए इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, अप्लाई इसमें कर रहे हैं दूसरे बार, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई अल्फा एन अपॉन, ये क्या हुआ अप्लाई करने पे e टू द पावर आई अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस आई अल्फा। ठीक, ये हो गया प्लस 1/2, इन दोनों में क्या कॉमन है, e टू द पावर माइनस आई अल्फा एन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमने, हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई अल्फा माइनस ई टू द पावर आई अल्फा, और ये जीरो जा रहा है इसलिए इसको अभी नहीं करते। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन दिख रही है, यहाँ से माइनस ले लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, अब क्या 1/2 कॉमन है और दूसरा है कॉमन ई टू द पावर आई अल्फा माइनस e टू द पावर माइनस आई, ये कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या अंदर, 1/ e टू द पावर i अल्फा n अपॉन e माइनस e टू द पावर i अल्फा। ठीक, माइनस यहाँ बचा e टू द पावर माइनस i अल्फा n अपॉन e माइनस e टू द पावर माइनस i अल्फा, सॉल्व होना बचा। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया था कि साइन अल्फा एन है यहाँ, तो उसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एन, सॉरी प्लस आई अल्फा एन अपॉन ई माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एन अपॉन 2i। ठीक, ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर, मैं इसको लिख देती हूँ 4/2। ठीक, तो यहाँ क्या होगा,
इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा 2i, ठीक। तो साइन अल्फा की वैल्यू से यदि वो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग और वो वैल्यू आ रही है, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन अल्फा पुट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हमने पुट कर दिया 4i साइन अल्फा, ठीक, पुट कर दिया। अब यहाँ जाते हैं, अब ये क्या केस है, यहाँ केस है पाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब पाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इस केस में वन अपॉन ई माइनस ए के केस में हो जाता है एन ए टू दी पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस ए, ई माइनस ए का ही केस है, तो यहाँ हो जाएगा एन ए टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई टू दी पावर आई अल्फा है, ई टू दी पावर आई अल्फा माइनस वन, ठीक, माइनस यहाँ पर माइनस आई अल्फा है, यहाँ भी वही केस है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई माइनस ए का ही केस है, तो ये हो जाएगा एन ए टू दी पावर, ये क्या है यहाँ पर, e टू दी पावर माइनस आई अल्फा है माइनस वन, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे बढ़ते हैं, में क्या कॉमन है, n कॉमन, तो n कॉमन है, तो ये हो गया n अपॉन 4i sin अल्फा, बचा गया अंदर e टू द पावर माइनस i अल्फा माइनस 1, यहाँ माइनस का नहीं होगा, प्लस था ना यहाँ, ये प्लस था, तो ये हो गया i अल्फा माइनस 1 माइनस, ये हो गया ई टू पावर आर माइनस आई अल्फा माइनस, ठीक। अब फिर से मैं साइन के केस में आ जाती हूँ, ए केस में क्या है, माइनस कॉमन निकाल दूंगी तो ये हो जाएगा आई अल्फा प्लस वन हो जाएगा, ठीक, और ये है माइनस वन। इन दोनों में ही यदि मैं साइन का फॉर्मूला फॉलो करती हूँ तो वो हो जाएगा आई का इंटू कर देती हूँ सबसे पहले, तो अपॉन क्या आना चाहिए यहाँ पर, 2i आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2i का मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ सबसे पहले, तो 2i का मल्टीप्लिकेशन करूँगी, उसके बाद में मैं देख लूँ कि यहाँ i अल्फा की जगह क्या है, i अल्फा माइनस वन, तो हमारे फॉर्मूले में भी क्या रहेगा, अल्फा माइनस वन रहेगा, तो ये हो जाएगा 2i में से i कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा n अपॉन 2 साइन अल्फा, और ये 2i है तो ये हो जाएगा 4i साइन अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस वन, ठीक। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, मतलब पी आई आ गया है। अब हम लोग लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो होता है CF प्लस CF, क्या था हमारा, C1 cos एन अल्फा प्लस C2 साइन एन अल्फा, और PI निकला हमारा एन साइन अल्फा माइनस वन अपॉन 4i साइन अल्फा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ, किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जो हमारा थर्ड कंडीशन का क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।